हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज निफ्टी 50 दोबारा से 25,000 के नीचे खिसक कर बंद हो गया। निफ्टी में एक अच्छा खासा पुल बैक हमने देखा था 2 दिनों में, लेकिन आज वो पुल बैक फिर दोबारा से जो है डाउन ट्रेंड में चला गया। और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन बैंक निफ्टी के सामने आज कमज़ोरी जो थी उससे ज़्यादा कमज़ोरी आज निफ्टी 50 में थी। और निफ्टी 50 से स्ट्रेंथ मिसिंग थी, और 25,000 टूटने का मतलब ये कि एक साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे बाजार आ गया। बाजार खुले अच्छे, 25,034 के ऊपर बाजार खुला, यानी कि निफ्टी खुला, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। और लगभग 2 बजे के बाद तो एक सीवियर पेन निफ्टी 50 के अंदर देखने के लिए मिला। और उसके बाद जो 25,000 की जो कॉल ऑप्शन है उसमें जबरदस्त अन राइटिंग हुई, और 25,000 की जो कॉल राइटिंग है वो बेहद ही एग्रेसिव है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि अब कल, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है, शायद अब निफ्टी को 25,000 पार करने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो हमारा आउटलुक ये है कि कल हम ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी शायद जो पुरानी रेंज जो पिछले हफ्ते आई थी 24,800 के आसपास, जो है हमें लगता है कि निफ्टी दोबारा से सपोर्ट लेगा और एक नैरो रेंज के अंदर हो सकता है कि बाजार काम करे, 24,800 जो है नीचे की तरफ और 25,000 ऊपर की तरफ एक रेंज रहेगी। लेकिन फिर भी चांसेस ये हैं कि अगर 24,800 टूटता है तो दायरे थोड़ा सा और खुल जाएंगे नीचे की साइड के। लेकिन बाजार में हम ये मान के चल रहे हैं कि कल एक नैरो ट्रेड होना चाहिए, लेकिन निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीकली एक्सपायरी तो हो सकता है कि 24,800 के आसपास अगर प्रेशर बन गया तो थोड़ा सा एक स्टीप फॉल जो है 24,800 के आने के बाद 100 पॉइंट का और भी आ सकता है। लेकिन चांसेस ये हैं कि बेस्ट केस में 24,800 से लेके 25,000 के बीच में एक परफेक्ट रेंज रहने की संभावना है। और निफ्टी 50 के अंदर जिस तरीके से 2 दिन की ग्रीन कैंडल के बाद आज फिर एक रेड कैंडल आ गई, जिसको देख के ऐसा लगता है कि जो 24750 पर बाजार ने पहले सपोर्ट लिया था एक जबरदस्त रेड कैंडल के बाद, यानी कि जो फ्राइडे की रेड कैंडल थी, उसके बाद मंडे के दिन जब बाजार ने 24750 पे सपोर्ट लिया था, तो मुझे लगता है कि सपोर्ट कैंडल स्टिक के हिसाब से 24750, जिसको हम ब्रॉडली 24800 और 25,000 के बीच में बोल रहे हैं, 24750 की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर भी एक अच्छे जो है कुछ कैंडल्स हैं जिन्होंने पहले यहाँ पे सपोर्ट लिए। ये 2 कैंडल्स देखेंगे आप रेड जो 24750 से सपोर्ट लेके बाजार ने रैली की थी, फिर अब देखिए 24750 के बाद बाजार ने नेगलेक्ट कर दिया, ऊपर रेजिस्टेंस आ गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो पहले भी बाजार 24750 पर सपोर्ट ली थी, उसके बाद ही गैप डाउन हुआ था। तो 24750 एक अच्छा अहम लेवल है, और 24750 टूटने के बाद, मैं और ब्रॉडली ले रहा हूँ, 24700 टूटने के बाद निफ्टी के अंदर बहुत ज़बरदस्त वीकनेस आ सकती है। और इसके बाद अगर हम बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशो जो है सीधा मंदी वालों के फेवर में थी, 1 के सामने 2 घटने वाले शेयर्स थे, 1 बढ़ रहा था 2 घटने वाले थे, बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस और ब्रिटानिया जैसे शेयर्स में तेजी थी। अब रीज़न ये कि एशियन पेंट्स में क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आ रहे हैं, दूसरी बात है एशियन पेंट्स पर यह पिछले 2-3 साल से चला भी नहीं है, 52 लो के आसपास मडरा रहा था अभी 1 महीने पहले, तो वहाँ से तकरीबन 10% तो चल गया, लेकिन एक जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी जिसकी वजह से ट्रेडर्स ने एशियन पेंट्स के अंदर पोजीशन बनाई। आज जो खतरनाक रुख देखने के लिए मिला वो टाटा मोटर्स के अंदर देखने के लिए मिला, और 1000 के जो लेवल्स हैं वो टूट कर बाजार जो है 5.74% टूटने के बाद 1000 के नीचे बंद हुआ है। ONGC, विप्रो और SBI जैसे शेयर्स भी कमज़ोर थे। निफ्टी बैंक 262 पॉइंट्स की कमजोरी, हालांकि 51,000 पर एक अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट था पुट राइटर्स का, तो वहां पर बाजार जो है होल्ड करता हुआ नजर आया। इसके बाद अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक का जो चार्ट पैटर्न है वो भी यही इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी बैंक की तरह जो अभी जो पोजीशन है वो निफ्टी बैंक में जिस तरीके से पहले पोजीशन थी वो अब निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिल रही है। अब निफ्टी बैंक ने जो आज थोड़ी सी कमजोरी कम दिखाई, लेकिन निफ्टी बैंक में भी ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि निफ्टी बैंक भी जो है आपको
इन लेवल्स के आसपास जो फ्राइडे वाले जो लेवल्स है उनके पास आ सकता है, क्योंकि इंटरनेशनली भी जो मूड माहौल है बहुत अच्छा नहीं है। अगर यूएस के बाजारों में बात करें तो डाउ जोन्स से एक समय पर 650-700 पॉइंट माइनस हो गया था, हालांकि अब रिकवर कर गया है। और जो है सपोर्ट नहीं मिल रही है इंटरनेशनल बाजारों से। उसके बाद अगर हम बात करें तो आज जो गिरावट थी वो बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और स्पेशली पीएसयू बैंकिंग स्पेस में आज बहुत ही जबरदस्त बिकवाली थी, और एसबीआई जो उसको लीड कर रहा था 1.8% जो है उसमें गिरने वालों में था। अगर हम डेटा पॉइंट की बात करें तो कैश मार्केट के अंदर एफआईआईज लगातार खरीद रहे हैं। आज भी एफआईआईज ने 1,755 करोड़ खरीदा, फिर भी बाजार नहीं रुका। डीआईज भी आज बायर थे, फिर भी बाजार माइनस में था। रीज़न ये कि जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी एफएनओ की पोजीशंस को सेटल किया। आज अगर हम देखें तो इंडेक्स की जो बेहतरीन जो ऑप्शन सेलिंग है 2 दिनों के अंदर आपको एफआईआईज की तरफ से देखने के लिए मिली। तो ऊपरी लेवल पर एफआईआईज की अच्छी जो है कॉल राइटिंग भी है, पुट राइटिंग भी है, बट कॉल राइटिंग थोड़ा सा एग्रेसिवली है। तो यहाँ पर जो कॉल राइटिंग है हमें इसलिए ज़्यादा लग रही है क्योंकि जो प्रीमियम साइड है जो वैल्यूज़ हैं वो कॉल साइड में टूट गई हैं। तो अल्टीमेटली हम ये मान चल सकते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स ने कॉल राइटिंग की है और जो बाजार की एक रेजिस्टेंस को भी दिखा रहा है। और अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी 2698 करोड़ की अच्छी मंदी बनाई, और एफआईज तकरीबन 18,000 करोड़ के आसपास एफआईज स्टॉक फ्यूचर्स बेच कर बैठे हैं मात्र 11 दिनों के अंदर। तो एफआईआईज की एक जबरदस्त स्टॉक की जो है सेलिंग स्टॉक फ्यूचर्स में बनी हुई है। इसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया विक्स हालांकि एक ओवरसोल्ड जोन में है, तो निचले लेवल पर एक बार रिलीफ आ सकता है। इंडिया विक्स भी अगर हम बैंक निफ्टी का देखें तो 13.63 है और पुट कॉल रेशियो 0.7693 है। तो हालांकि बैंक निफ्टी में अब थोड़ा सा सुधार हो गया, लेकिन अगर बैंक निफ्टी की अगर पुट कॉल रेशियो 0.6 के आसपास जाती है तो जनरली रिकवरी करता है। तो निफ्टी के अंदर वो लेवल्स हैं, तो निफ्टी जो है थोड़ा सा स्लाइटली आपको ओवरसोल्ड नज़र आएगा। तो जब तक अहम लेवल के आसपास अगर निफ्टी सपोर्ट लेता है तो एक रिकवरी की चांसेस बन सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बोला कि 24,750 और 24,800 इस रेंज के नीचे निकल गया तो फिर भी एक सपोर्ट बनती है थोड़ी 24,700। लेकिन अगर 24,700 के नीचे निफ्टी ने क्लोज दे दिया तो टेक्निकल सेटअप निफ्टी का बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। लेकिन क्योंकि निफ्टी पुट कॉल रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा ओवरसोल्ड है तो हमें लग रहा है कि एक नैरो रेंज में ट्रेड होगा, जिससे कि जो पुट कॉल रेशियो है वो रीअरेंज हो जाए। और हम एक नैरो रेंज ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट आप लोग जानते हैं कि सितंबर पे हमारा जो आउटलुक है बाजार के अंदर वो ब्रॉडली जो है नेगेटिव साइड ही है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 428 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ काम कर रहा है, हालांकि अभी 350 पॉइंट की कमजोरी है जब मैं अभी आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ उस समय पर। ब्रेंट क्रूड $70 पे है, और कॉल राइटिंग देखेंगे आप निफ्टी में 25,000 पर क्या जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है, 25,050, 25,100। तो ये इंडिकेट कर रही है कि भाई अब निफ्टी को 25,000 पार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी। इसके बाद अगर हम देखें तो 24,800 पे भी एक पुट राइट अनवाइंडिंग हो गई, यानी कि तेजी करने वाले थोड़े से बैकफुट पर नजर आए और उन्होंने अपनी पोजीशंस नीचे की तरफ पुट राइट की है, और कॉल राइट तो होती रही लेकिन पुट राइटर अनवाइंड करते हुए नजर आए। तो 25,000 की पुट में भी अनवाइंडिंग, तो निफ्टी के अंदर जो बायस्ड ट्रेड्स हैं अगर वो देखें तो वो मंदी वाले हैं। और बैंक निफ्टी में हालांकि पोजीशंस बराबरी की टक्कर थी, कॉल राइटिंग थी तो पुट राइटिंग भी थी। तो अभी 51,000 के आसपास जो है निफ्टी जो है मंडरा रहा है, और 51,000 पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग थी आज के दिन की। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो कॉल राइटर स्लाइटली हायर साइड में है, जबकि पुट साइड में राइटिंग थोड़ी सी लोअर साइड में है। तो अल्टीमेटली बैंक निफ्टी में भी जो है सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटेजी ही लग रहा है कि कामयाब रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।